पुंछ में वायुसेना के काफिले पर आतंकी हमला हुआ है। हमले में एक जवान शहीद हो गए, 4 जवान घायल बताए जा रहे। सेना ने इलाके को घेर लिया है, सर्च ऑपरेशन जारी है। शाह सितार इलाके में जवानों पर यह आतंकी हमला हुआ है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकियों ने कायराना हरकत को अंजाम दिया है। पुंछ के शाह सितार इलाके में इंडियन एयरफोर्स के काफिले पर आतंकवादियों ने फायरिंग की। हमले में एक जवान शहीद हो गया जबकि 4 घायल हो गए हैं। सभी घायल जवानों का इलाज उधमपुर के कमांड अस्पताल में चल रहा है। हमले के बाद आतंकी मौके से फरार हो गए। राष्ट्रीय राइफल्स की यूनिट इलाके में घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चला रही है। आतंकियों ने काफिले की गाड़ी पर कई राउंड फायरिंग की है जिन पर गोलियों के कई निशान दिख रहे हैं। फायरिंग के कारण गाड़ियों के शीशे भी टूट गए। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि ये बड़ी खबर है पुंछ से, जहां पर सेना के काफिले पर आतंकी हमला हुआ और इस हमले में जो अभी तक की जानकारी है इसके मुताबिक एक जवान शहीद हो गए हैं और इसके अलावा कुछ जवान जो है वो घायल बताए जा रहे। 4 की संख्या में जवान घायल बताए जा रहे। तुरंत ही जो घायल जवान है उनको एयरलिफ्ट किया गया। शाह सितार इलाका है जहां पर जवानों पर हमला हुआ है। हमले में एक जवान शहीद हो गए और 4 जवान इसमें घायल बताए जा रहे हैं। पुंछ में वायुसेना का ये काफिला था जो गुजर रहा था और उस पर ये हमला हुआ। अंकित भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। अंकित, कैसे ये हमला हुआ है और अभी जो आतंकी उनके खिलाफ ऑपरेशन को लेकर क्या जानकारी? देखिए, भारतीय वायुसेना के वाहन पर ये आतंकी हमला हुआ है। उसके बाद भारतीय सेना के स्पेशल कमांडोज उसके साथ साथ राष्ट्रीय राइफल्स उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर साथ साथ राष्ट्रीय राइफल्स उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के कमांडो जो है वो पूरे इलाके में लगातार सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन चला रहे हैं। सूरज की पहली किरण के साथ एक बार फिर से सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। इस समय मैं मौजूद हूँ जो पुंछ को कनेक्ट करने वाली रोड है, बिम्बर गली के पास में मौजूद हूँ और यहाँ पे आप देखिए कि बड़े पैमाने पे जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो यहाँ पर तैनात है। कोई भी वाहन यहाँ से गुजर रहा है तो पूरी तरीके से उसकी जो चेकिंग है वो यहाँ पर की जा रही है। सुरक्षा बलों की प्रायोरिटी ये है कि जल्द से जल्द जितने भी आतंकी इस इलाके में छुपे उनकी दर पर आतंकी हमला हुआ उसे साफ जाहिर हो रहा है। 2 से 3 आतंकी हो सकते हैं जिन्होंने एक कायराना हरकत को अंजाम दिया है। जी, शुक्रिया आपका अंकित इस पूरी जानकारी के लिए। तो यह हमला जो कि पुंछ में हुआ और वायुसेना का यह काफिला और इसमें एक जवान के शहीद होने की खबर आ रही है। 4 जवान घायल हुए हैं जिनको एयरलिफ्ट करके कमांड हॉस्पिटल पहुंचाया गया। इधर जम्मू कश्मीर में पुंछ में एयरफोर्स की गाड़ियों पर हुए आतंकी हमले की देश भर में जमकर निंदा हो रही है। कई नेताओं ने हमले की निंदा की। असम के सीएम हिमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि मैं इस कायरतापूर्ण हमले की कड़ी निंदा करता हूं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सेना के काफिले पर हमले को कायराना और शर्मनाक बताया। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने हमले को आतंकियों की दुर्भाग्यपूर्ण शर्मनाक एवं कायराना हरकत करार दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वो वायुसेना की गाड़ियों पर कायरतापूर्ण आतंकी हमले से बहुत दुखी हैं। आतंकवाद के खिलाफ देश के साथ खड़े हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि ये आतंकियों का बेहद घटिया शर्मनाक और कायराना कृत्य है। और इस बीच बड़ी खबर, हिंदू नेताओं की हत्या की साजिश पर यह बड़ा खुलासा हुआ है। निशाने पर टी राजा सिंह और उपदेश राणा, साजिश का आरोपी मौलवी सूरत से गिरफ्तार हुआ है। गुजरात की सूरत पुलिस ने एक मौलवी को गिरफ्तार किया है जिसके निशाने पर बीजेपी नेता टी राजा सिंह और हिंदूवादी नेता उपदेश राणा सहित कई हिंदूवादी नेता थे। पुलिस को इसके मोबाइल में आपत्तिजनक चैट भी मिली है। इनके फर्दर टारगेट्स हैं, उसको मारने के लिए 1 करोड़ रुपया की व्यवस्था ये लोग कर रहे हैं। तो उसमें हम लोगों ने ये देखा पूरा कि एक उपदेश राणा के अलावा जितने भी ऐसे हिंदू वादी जो लीडर्स हैं या जो कोई ऐसे महानुभाव हैं जिनके स्पीचेस में कभी इस तरह की चीज़ें आई हैं, जिसमें खास करके नूपुर शर्मा और हैदराबाद के हिंदूवादी लीडर है राजा सिंह जी। और देखिए, चुनाव को लेकर बड़ी खबर, आज शाम को थम जाएगा प्रचार का शोर। 7 मई को थर्ड फेज की पोलिंग होनी है। 12 राज्यों की 94 सीटों पर मतदान होगा।
आज शाम को तीसरे चरण के प्रचार का शोर थम जाएगा। सभी प्रत्याशी और राजनीतिक दल अपने पूरे जोश के साथ चुनावी प्रचार में जुटे हैं। 7 मई को तीसरे चरण के लिए 12 राज्यों के 94 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। चुनाव आयोग तीसरे चरण की वोटिंग को लेकर तैयारी में जुटा है। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी सीट पर मतदान तारीख में बदलाव किया है। अब यहाँ 25 मई को 6ठे चरण में वोटिंग होगी। चुनाव आयोग मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मतदाता जागरूकता अभियान के कई कार्यक्रम कर रहा है। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर थर्ड फेज में किन दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। तीसरे चरण के लिए मतदान के बाद 7 मई को जिन दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी उनमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नाम शामिल है। वो गुजरात की गांधीनगर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। एमपी में विदिशा से शिवराज सिंह चौहान, गुना शिवपुरी से ज्योतिरादित्य सिंधिया और राजगढ़ में दिग्विजय सिंह का नाम शामिल है। इनके अलावा यूपी में मुलायम परिवार की डिम्पल यादव, अक्षय यादव, आदित्य यादव के भाग्य का फैसला भी गुरुवार को होगा। महाराष्ट्र की बारामती सीट पर शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और अजित पवार की पत्नी सुनीता पवार की किस्मत का फैसला भी ईवीएम में बंद जाएगा। और वहीं पीएम मोदी आज करेंगे अयोध्या का दौरा। यह बड़ी खबर आपको बताएं, अयोध्या में आज शाम रोड शो भी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। रोड शो से पहले रामलला का पूजन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी आज शाम को अयोध्या में रामलला का दर्शन और पूजा करेंगे। इसके बाद वो अयोध्या में रोड शो करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या पहुंच रहे हैं। रामनगरी में पीएम ये रोड शो बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह के समर्थन में करेंगे। रोड शो के दौरान सड़क के दोनों तरफ 50-50 मीटर पर प्रधानमंत्री के काफिले पर पुष्प वर्षा की जाएगी। रोड शो में किसान, युवा, महिलाएं और साधु संत शामिल होंगे। इससे पहले पीएम मोदी इटावा और धौरहरा में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं इससे पहले दरभंगा में पीएम मोदी ने राहुल गांधी और तेजस्वी पर शहजादे वाला तंज कसा। उन्होंने कहा दोनों शहजादों के रिपोर्ट कार्ड एक जैसे हैं। जैसे एक शहजादे दिल्ली में है वैसे ही एक शहजादे पटना में भी है। एक शहजादे ने बचपन से पूरे देश को और दूसरे शहजादे ने पूरे बिहार को अपनी जागीर समझा है। इन दोनों शहजादों के रिपोर्ट कार्ड एक जैसे ही हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने पीएम को जवाब देते हुए कहा कि वो बड़े हैं, कुछ भी कह सकते हैं लेकिन सच से ज्यादा झूठ बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। वो पीरजादे हैं, पीरजादे के मतलब बुजुर्ग हैं और हम लोग तो छोटे लोग हैं। उनका हक है, कुछ भी बोल सकते हैं। वो पीरजादे हैं लेकिन सच कम झूठ ज़्यादा है। तो अब आए हैं दरभंगा, मिथिला की धरती पे आए हैं तो काम की बात होनी चाहिए। मिथिला के लोग बहुत प्रबुद्ध लोग हैं, वो काम की बात सुनना चाहते हैं ना कि बेकार की बात सुनना चाहते हैं। राहुल गांधी ने फिर कहा कि उनकी सरकार आई तो जाति जनगणना के साथ आर्थिक सर्वे भी होगा। ये बात उन्होंने दिल्ली में न्याय मंच नाम के एक कार्यक्रम में कही है। ये हमारी सोच है, जाति जनगणना पहला कदम है और ये सिर्फ जाति जनगणना नहीं होगा, ये इकोनॉमिक सर्वे होगा। मतलब हिंदुस्तान में धन जो है वो किसके हाथ में है और हर संस्था का सर्वे होगा। हमने अपने मैनिफेस्टो में साफ लिख दिया है कि अग्निवीर स्कीम को हम रद्द कर देंगे, खत्म कर देंगे। अब खबर गुजरात से है। गुजरात के बनासकांठा में प्रियंका गांधी वाड्रा ने पीएम मोदी पर तंज कसा। उन्होंने कहा पहले झूठ तक सीमित था, अब अजीब अजीब सी बातें करते हैं। कहते हैं कांग्रेस आपकी एक भैंस चुरा ली। देश के प्रधानमंत्री हैं, इतनी स्तरविहीन बातें। पहले झूठ तक सीमित था, अब अजीब अजीब सी बातें। आपकी दो भैंसे हैं तो कांग्रेस एक भैंस चुरा लेगी। 55 सालों से कांग्रेस की सरकार रही है इस देश में, जरा बताइए किसकी भैंस चुराई हमने? किसी की गहने चुराए?
किसी के मंगलसूत्र पे आंच आने दी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी गारंटी तो दे रहे हैं लेकिन उनकी गारंटी फेल हो चुकी है, एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। ये मोदी की गारंटी, अरे निम गारंटी अंत फेल आग होगी दे। एर कोटि नौकरी कोड़तीन अंत हेळिद्रि, कोट्रा वर्षक्के एर कोटि, हत वर्षदल्लि एष्टु कोटि कोडबेकागित्तु नीवु हेळि, ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು? 20 ಕೋಟಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕಾಲ ಅದನ್ನ ಲಾಕರ್ ಮೈ ಸಬ್ಕೋ ದೂಂಗ ಅಂತ 15 ಲಾಖ ಏಕೆ ಜೋಮೆ ಎಲ್ಲದ ಹೇಳಿ. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि ये रायबरेली में भी प्रचंड मार्जिन से हारेंगे। पर वायनाड में जोखम लगा है, अब रायबरेली गए हैं। अरे राहुल बाबा, यहां से वहां, वहां से यहां, यहां से वहां क्यों कर रहे हो? मैं आपको बता देता हूं, सीटों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आप में है। जहां जाओगे वहां हारोगे। भाइयों बहनों, ये रायबरेली में भी प्रचंड बहुमत से हारने वाले। कांग्रेस ने कहा है कि राहुल गांधी के पास उत्तर दक्षिण दोनों राज्यों से चुनाव लड़ने की हिम्मत है। पीएम मोदी भी दक्षिण से चुनाव लड़ने का साहस दिखा। राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव न लड़ने को लेकर बीजेपी के लगातार प्रहार पर कांग्रेस ने जवाब दिया है। पार्टी ने कहा, पीएम दक्षिण से लड़ने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाते हैं? तो कह रहे हैं डरो मत, दक्षिण से लड़ो। जैसे राहुल गांधी में हिम्मत है कि दक्षिण से भी लड़ते हैं, उत्तर से भी लड़ते हैं, मोदी जी क्यों नहीं दक्षिण से जाकर लड़ते? देश के प्रधानमंत्री हैं, विश्वगुरु हैं, क्यों नहीं हिम्मत दिखाते? इससे पहले रायबरेली से राहुल गांधी के नामांकन करने के बाद पीएम मोदी ने तंज करते हुए कहा था कि डरो मत भागो मत। इसके बाद से राहुल गांधी पर बीजेपी नेता लगातार हमलावर हैं। इधर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मोदी का 400 पार का नारा अगर सच हो गया तो संविधान बदल जाएगा। ये मोदी का जो नारा है ना 400 पार, ये 400 पार अगर इसको मिलेंगे तो फिर आईन खत्म हो जाएगा हमारे दलित भाइयों बहनों, तुम्हारा तहफुजात, तुम्हारा रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा बैकवर्ड क्लास के बहनों, आईन का बेसिक स्ट्रक्चर चला जाएगा। ये 400 पार का मतलब आईन को बदल देना, बेसिक स्ट्रक्चर को बदल देना। अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले AIUDF चीफ बद्रुद्दीन अजमल ने असम में कांग्रेस और बीजेपी में मिली भगत का आरोप लगाया है। इसलिए पहले ही दिन से कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए हैं और वही उनके भाई भाई। AIUDF चीफ बद्रुद्दीन अजमल ने कहा है कि असम में कांग्रेस नहीं है, पार्टी यहाँ खत्म हो चुकी है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने पार्टी के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। पहले दिन से कांग्रेस के लोग बीजेपी में मिले हुए हैं। कांग्रेस की पूरी टीम यहाँ से बीजेपी से मिली हुई है। आज कांग्रेस असम में नहीं है, खत्म हो गया। हेमंत बिस्वा शर्मा ने तोड़ के उनके टुकड़े टुकड़े कर लिए। इसलिए पहले ही दिन से कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए हैं और वही उनके भाई भाई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मैनपुरी में रोड शो किया है और अपनी पत्नी और मैनपुरी से पार्टी प्रत्याशी डिंपल यादव के लिए वोट मांगे। मैनपुरी में रोड शो और जनसभा को संबोधित करते हुए SP अध्यक्ष ने वादा किया कि दिल्ली में समाजवादी पार्टी और विपक्षी गठबंधन इंडिया की सरकार बनेगी तो किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। अखिलेश ने कहा कि मैनपुरी की जनता झूठे वादों का जवाब देने के लिए तैयार है। मैनपुरी में इस बार न केवल जीत होने जा रही है बल्कि मैनपुरी की जनता ने रिकॉर्ड मतों से जिताने का फैसला लिया है। वही मैनपुरी से SP प्रत्याशी डिंपल यादव ने कहा कि जिस तरह के हालात पूरे देश में हैं, ये सरकार की खामी है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने TV9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत में शिंदे ने कहा, हमारे लिए बाला साहेब ठाकरे के विचार ही संपत्ति है। हमें बाला साहेब ठाकरे जी की संपत्ति नहीं चाहिए, हमें उनके विचार, यही हमारी संपत्ति है। मैं बार बार यही कहता हूँ, उनकी संपत्ति के वारिस परिवार है,
असली शिवसेना को बचाने का काम हमने किया है। शिव सैनिकों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहे थे, उसको बचाने का काम हमने किया है। धनुष बाण को बचाने का हमने किया है। एक कांग्रेस के हवाले पार्टी की थी, उसको छुड़ाने का काम हमने किया है। कर्नाटक यौन शोषण केस में एसआईटी ने पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा के बेटे जेडीएस विधायक एचडी रेवन्ना को गिरफ्तार कर लिया है। रेवन्ना को पीड़िता के अपहरण के मामले में गिरफ्तार किया गया है। एचडी रेवन्ना की अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के घर पहुंची। काफी देर तक इंतजार करने के बाद घर का दरवाजा खोला गया। टीम के सदस्यों ने एचडी रेवन्ना को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। रेवन्ना को पीड़िता के अपहरण के मामले में गिरफ्तार किया गया है। महिला एचडी रेवन्ना के बेटे प्रज्वल रेवन्ना के कथित यौन शोषण की पीड़िता है। कर्नाटक यौन शोषण मामले में राहुल गांधी ने सीएम को पत्र लिखकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की अपील की है। यह जानकारी राहुल गांधी ने एक्स पर साझा की। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा है, कर्नाटक में बीजेपी समर्थित हैवान ने सैकड़ों महिलाओं और उनके परिवारों को ऐसा मानसिक आघात दिया है कि सोचकर भी आत्मा से उठती है। उन्होंने आगे लिखा, मैं आपकी पीड़ा और वेदना को समझता हूँ और भयंकर अत्याचार के खिलाफ न्याय की लड़ाई में आपके साथ खड़ा हूँ। चुनावी शोर के बीच आपके साहस और संघर्ष को हम दबने नहीं देंगे। मैंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उस हैवान के लिए कड़ी से कड़ी सजा सुनिश्चित करने और पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता मुहैया कराने का आग्रह किया है। दिल्ली में चुनाव आयोग ने चेकिंग के दौरान बीएमडब्ल्यू कार से 2 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। हमारे संवाददाता अंशुमन यादव ने मौके का जायजा लिया। साउथ दिल्ली के मां आनंदमयी मार्ग रोड पर चुनाव आयोग की टीम चेकिंग कर रही थी, तभी उधर से गुजर रही एक बीएमडब्ल्यू कार को रोका गया जिसमें 2 लोग सवार थे। बता दें उसमें लगभग 2 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। पुलिस जांच कर रही है। अभी फिलहाल नोटों की गिनती जारी है। आपको बता दें कि आगामी 25 मई को दिल्ली में वोटिंग होनी है, लिहाजा इससे पहले चुनाव आयोग काफी सख्त है और जगह जगह चेकिंग कही जा रही है। रामबन में हुए लैंडस्लाइड की तस्वीरें देखकर लोग दहशत में भर गए हैं। लैंडस्लाइड के बाद ट्रैफिक को रोक दिया गया है। तस्वीरें रामबन के जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के लैंडस्लाइड की हैं। भीषण लैंडस्लाइड के बाद रामसू में सड़क के दोनों ट्रैफिक को रोक दिया गया। अचानक मलबा गिरने से लोग दहशत में आ गए और बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। NHAI ने रामसू में सड़क से मलबा हटाने के बाद ट्रैफिक को आंशिक रूप से बहाल कर दिया। नाश्री और बनिहाल के बीच फंसे ट्रैफिक को प्राथमिकता के आधार पर साफ किया जा रहा है। और गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन इलाके में देर रात एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लगी। यूपी के गाजियाबाद में एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लगने की वजह से हड़कंप मच गया। जब तक लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से आग की लपटें कई मंजिल तक उठती दिखी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कई घंटों की मशक्कत के बाद देर रात तक आग पर काबू पाया जा सका। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। शुरुआती जाँच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। और गाजियाबाद से खबर है जहां खाद्य विभाग की टीम ने मसालों की फैक्ट्री पर छापेमारी कर खुलासा किया है। यहां खतरनाक रंग मिलाकर मसाले तैयार किए जा रहे थे जो सेहत के लिए बहुत हानिकारक। यूपी के गाजियाबाद में मसालों की फैक्ट्री पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम के छापे के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है। जांच के दौरान पता चला कि मसालों में कपड़ों में इस्तेमाल होने वाला रंग मिलाया जा रहा था जो शरीर के लिए बहुत नुकसानदेह है। देखिए इससे तो लीवर पर सबसे पहले अटैक करता है क्योंकि हमें डाइजेशन होता है और ये कलर जो प्रोहिबिटेड है ऑब्वियसली हमारे लीवर पर सबसे ज्यादा अटैक पड़ेगा। अल्सर के भी चांसेस होते हैं, किडनी पर भी अटैक के चांसेस होते हैं। ये स्लो एक तरीके से कैंसर के चांसेस ज्यादा होते हैं कलर का खाने का लंबे टाइम तक अगर हमने इसको खाया। देखिए खबर ब्राजील से है जहां पर आई बाढ़ में अभी तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। कई इलाकों में जनजीवन पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है।
ब्राजील में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ और कीचड़ के कारण अब तक 56 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा हजारों लोग बेघर हो गए हैं। बचाव कर्मी घरों, सड़कों व पुलों के मलबे में धंसे लोगों को खोजने में जुटे हैं। बाढ़ के कारण 30,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। बिजली, इंटरनेट और टेलीफोन सेवा ठप होने की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। रियो ग्रांडे डो सुल में पानी का स्तर बहुत बढ़ जाने के कारण बांधों पर बोझ बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से कुछ शहर दहशत में है। और एक बड़ी खबर है, आज अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे पीएम मोदी। शाम 7 बजे अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे। रामलला के दर्शन के बाद पीएम मोदी रोड शो करेंगे।